हेलो गाइस, वेलकम टू दिजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रूसो ब्रदर से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो जैसा कि सब जानते हो कि रूसो ब्रदर ने भी हाल ही में डायरेक्ट करी एवेंजर एंड गेम, जो कि एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी थी और उसी के साथ ये सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी भी बन चुकी है। अब रूसो ब्रदर का इंटरेस्ट है एवेंजर एंड गेम के बाद एमसीयू में काम करने के लिए, वो है वुल्वरीन। वो एज अ वुल्वरीन को डायरेक्ट करना चाहते हैं ऑफिशियली एक मूवी सोलो के साथ, और उसी के साथ रूसो ब्रदर काम करना चाहते थे पहले फैंटास्टिक फोर के लिए, पर अब उनका इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि वो वुल्वरीन डायरेक्ट करें, और देन मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब तो कोई राइट्स की प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर रूसो ब्रदर ऐसा चाहते हैं तो एमसीयू उनकी सुने और वो उसे वुल्वरीन डायरेक्ट करने के लिए दें। और देन रूसो ब्रदर ने अगर एमसीयू में वुल्वरीन डायरेक्ट करी तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और देन जो ईस्टर एग, जो कनेक्शन हमें देखना है कि एमसीयू से एक्समैन कैसे जुड़ते हैं, वो तो काफ़ी कमाल का होने वाला है। देन उसी के साथ बॉब ने एक चीज़ कंफर्म कर दी कि कोई भी अगर एक्समैन की सोलो मूवी आएगी जैसे लाइक डेडपूल, तो वो आर रेटेड होगी, और कोई भी अगर टीम अप मूवी आएगी तो वो PG-13 कैटेगरी की होगी, जो बॉब ने कन्फर्म कर दिया। टॉम हार्डी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग में मदद कर रहे हैं एंडी की, जो कि वेनम 2 के डायरेक्टर हैं। वॉर ऑफ द प्लैनेट्स की हमें और भी मूवी देखने को मिलेंगी। अगर आप इस सीरीज के फैन हो तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। और देन इस सीरीज के अभी 3 पार्ट आ चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो। उसी के साथ मिशेल रिटर्न हो रही है वेनम 2 में। जी हाँ, बिल्कुल 100% कन्फर्म हो चुका है। और एमसीयू में भी काफ़ी बड़ा रूमर चल रहा है, नियोमी जो कि अलादीन में काम कर चुकी है, सोफिया जो कि मम्मी में मूवी में काम कर चुकी है, और देन उसी के साथ प्रियंका चोपड़ा जो कि हॉलीवुड से एक्टर हैं और बॉलीवुड भी एक्टर हैं, जो कि वे वॉच मूवी में काम कर चुकी हैं। ये तीनों एमसीयू में इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसा एक रूमर चल रहा है अभी। और देन आपके हिसाब से प्रियंका चोपड़ा किसका रोल प्ले कर सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंग्री बर्ड को रोटिक टोमेटो 81% मिले हैं, जो कि गेम पर बनी हुई मूवी में सबसे टॉप पर है। उसके साथ डिज्नी प्लस जब लॉन्च होगा तो करीब 7000 टीवी सीरीज देखने को मिलेंगी और 300 मूवी देखने को मिलेंगी पहले ही दिन। उसके साथ थॉर रैग्नारोक के डायरेक्टर ताकेवाती को थॉर 4 से पहले एक सीक्रेट मूवी बनाने का काम मिला है। अब वो कौन सी मूवी अभी तक रिवील नहीं करा गया है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा।